ओके, दिस इज ऑलीफ्लावर। ऑलिव इज ऑल अबाउट, जब आपको फिजिकली एग्जॉशन हो, जब आपको लगे कि बस अब मैं थक गई हूं, अब मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ओके, अब मैं थक गई, अब मेरे से काम नहीं होगा, टेक ऑलिव। जब भी गदा मजदूरी करके आपको लगे कि बस अब मेरे से और नहीं होगा और आपको करना है वो चीज, तो इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग यू कैन टेक ऑलिव। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसको कौन से जगह में यूज कर सकते हैं। मैंने एक चीज बता दी, थोड़ा दिमाग लगाइए, रात के 9 बजे हैं, पर कोई बात नहीं, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। फंक्शंस रहते हैं घर में, कभी क्या? घर में कभी फंक्शंस वगैरह रहते हैं तो हेयर ग्रो हो जाता हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली, करेक्ट, वेरी करेक्टली सेड। हाँ, है एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर हॉर्नबीन भी साथ में ले लेना, क्योंकि हॉर्नबीन मेंटल एग्जॉशन को निकालता है, ऑलिव फिजिकल एग्जॉशन को निकालता है। ओके, ओके। और कभी ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी आ जाता है, ट्रैवलिंग कभी स्ट्रेस भी हो जाता है। ट्रैवलिंग स्ट्रेस भी हो जाता है, करेक्ट। ऑलिव कहाँ गया, करेक्ट। और पीरियड्स के टाइम पे, हाँ, मैं डिलीवरी बोलने वाली थी। बोलिए ना फिर। ओके, उस टाइम पे भी व्हेन यू कर सकते फील, हैं। व्हेन यू फील लॉट ऑफ ब्लीडिंग इज हैपनिंग एंड यू फील लाइक ओह वो, अब तो मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, हाँ ओके, वो दर्द कोई नहीं समझ सकता है। ओके, यस मैम। लड़कियों के भी नहीं समझ सकते हैं। ओके, मैम डिलीवरी के टाइम पे भी उस समय भी दे सकते हैं क्या? यस क्यों? यस 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 यस, ओके। टायर्ड, फेटीग, कॉन्स्टेंटली टायर्ड भी लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को कॉन्स्टेंटली टायर्ड लगता है, स्पेशली यस 7:30 ही आ जाता है तो कॉन्स्टेंटली टायर्ड होते हैं लोग, है ना। तो गिव हाँ देम दिस, ओके। एंड सुबह जो बेसिकली नहीं उठ पाता है, स्पेशली सुबह उठते ही जिनको लगता है कि बस अब मेरा दिन हो गया, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ दिन, है ना, तो यू कैन गिव, आप ऑलिव पी के सो सकते हो, इफ यू कैन, इफ यू वांट टू वेक अप फ्रेश। ओके, ट्राई ओके। करके देख।